ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। क्या बात है बच्चों, क्या हो गया? अभी तक सोए नहीं क्या? नाइट वॉचमैन की ड्यूटी शुरू कर दी है? अरे नहीं पापा, वो एक वीडियो देख रहा था, बड़ी अच्छी। देखो ना पापा, कितने अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। क्या बच्चों, इतनी रात को आप दूसरों के बच्चों की वीडियोस देख रहे हैं? अरे पापा, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, अपने हो या गैर हो गए। समझ गई मैं बच्चों, हमारे बच्चे नहीं है ना, इसीलिए आप मुझे बातें सुना रहे हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसी वीडियो देख रहा था। तुम भी सीमा अपनी तरफ से क्या क्या सोच लेती हो बाबा, सो जाओ। अरे पापा मुझे याद आया, मुझे सुबह एक जरूरी काम से जाना है। पापा तुम सो जाओ। जरूरी काम? हाँ पापा, वो एक है काम, हो जाएगा तो बताऊंगा। अच्छा ठीक है, पर अब शोर मत करना, नींद खराब होती है। अब खुद भी सो जाओ। अब कहाँ रह गया ड्राइवर? अरे कितना प्यारा बच्चा है, कहाँ से आया हो बेटा? ला मैं जा रही हूँ, अपना बच्चा खुद संभालो। इसका मतलब कि बच्चों ने मुझसे छुपा के दूसरी शादी कर रखी है। अभी पूछती हूँ बच्चे को। बच्चों, अरे बाबा सीमा क्या हो गया बाबा, ये बच्चा किसका है बाबा इतना प्यारा? अरे भाजाई क्या हो गया भला, इतनी चीखे मार रही हो जैसे कोई अगवा करने आ गया हो। बोल बिना, ये तो खुद किसी बच्चे को अगवा करके आ गए बाबा। ये बात है सही ना, ऐसे नहीं कहते, बच्चे है बाबा। वैसे आधा सही है, बिल्कुल आपका बचपन नहीं लग रहा है? अरे हाँ बिल्कुल ठीक कहती है बाबा, बिल्कुल मेरे बचपन जैसा लगता है बाबा, ऐसा लगता मैं एक बार फिर छोटा हो गया। मगर भला ये बच्चा आया कहाँ से? मैं बाहर जा रही थी तो ये बच्चा कोई गेट पे छोड़ के गया और ये खत मिला उसके पास से। अरे बाबा ये किसी गरीब का बच्चा है, व्हाट्सएप के जमाने में भला खत कहाँ से? यदि बहुत गलत बात है बाबा, ऐसा नहीं कहते बाबा, बच्चे बच्चे होते हैं बाबा, अमीर के हो या गरीब के हो। अरे भला ये मेरे को खत तो दिखाओ, इसमें क्या लिखा है? इतना तो मेरे को भी पढ़ना आता है। हाँ बाबा लिखा है कि अपना बच्चा खुद संभालो। अरे ये तो आपको कह रही है, आपका बच्चा बाबा, आप इसको खुद संभालो। अरे बाबा, अरे बाबा फूल ले लो। अरे बाबा तो क्या हुआ, संभाल लेंगे बाबा। इसका मतलब ये बच्चा तुम्हारा ही है बच्चों? हाँ, नहीं बाबा क्या बात करती हो, मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? हाँ हाँ संभाल लेंगे, गरीब का बच्चा मत बोलो, ये सब कुछ क्या है? अदा वैसे बाजाई ठीक कह रही है। अरे अदि तू तो मेरा यकीन कर। अरे बाबा मेरे को तो यकीन है, मैं तो आप पे यकीन करती हूँ। बोला मेरे को ही बता दो ना कि ये बच्चा आपका है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे अदि मैं तो सच कह रहा हूँ बाबा। बच्चू भाई ये ले सिरिलैक। सिरिलैक? रात को सोने से पहले कह रहे थे जब मैं उठूँ तो सिरिलैक होना चाहिए। अरे बाबा तुमने तो कहा था कि ये खाने से जान आती है बाबा। मैंने सीरियल कहा था, सिरिलैक नहीं कहा था बच्चू। बाबा बोलने में गलती हो जाती है ना इंसान से। संभालो अपना बच्चा, जा रही हूँ मैं यहाँ से, पीछे हटो। सीमा, अरे जरीना ये सिरिलैक संभाले। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चू भाई, इस बच्चे की शक्ल तो बिल्कुल आपके बचपन की तस्वीरों जैसी है। बाबा चुप करो तुम, जाओ जाके ले जाओ बाबा, सब कोई बकवास यही कर रहे हैं बाबा। सिरिलैक तो बना दूं आपके लिए, ओ बच्चे के लिए। हां बाबा बनाओ, बच्चा रो भी रहा, लेके आओ लेके आओ बाबा लेके। अरे बेला बच्चा लो बाबा, इसके के लिए फूल है बाबा फूल। अरे मैडम ये बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे
अरे पहले ये रो रहा था, आप रो रही है, आपको चुप कराने कहा ले जाओ। जाली लेकर जाओ इस बच्चे को इसके बाप के पास। अरे इसके बाप का पता तो नहीं, डायरेक्ट उसके पास ना ले जाता, इस वक्त कहाँ ढूंढूं मैं। अरे ढूंढना कहाँ है, बाहर बैठा हुआ है। क्या मतलब बच्चू भाई? बिल्कुल सही समझे हो तुम। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते बच्चू भाई। अरे कैसे नहीं कर सकते, हो ना हो जानी, ये दूसरी शादी का नतीजा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी पहली शादी का नतीजा हो, आप दूसरी हो। हाँ जानी ये तो मैंने सोचा नहीं, अब भी जाके पूछती मैं बच्चों से, हटाओ। आओ भाई तुम भी चलो। अदाब शादी कर ली तो कर ली, भाजाई को बता देना। अरे बाबा क्या चाहती है, मैं सीमा को बोल दूं कि वो बच्चा मेरा है, मैं उसका बाप हूँ, यही चाहती है ना? हाँ। अच्छा देखा सच निकल गया ना मुँह से। अरे बाबा सीमा तुम भाजाई अदाब तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। सीमा मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं ही गलत था। क्या मतलब? अरे जरीना नहीं, मैंने कहा था कि बच्चू भाई घटिया कमजोर बद शक्ल तो हो सकते हैं लेकिन बद किरदार नहीं हो सकते। अरे बाबा ये इतनी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, बुरा भला बोल रहा है। बाबा तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो इसको? ये तो कुछ नहीं कह रहा, मेरा बॉस है तो मैं तो इसे ज्यादा कह सकती हूँ। अरे बाबा बच्चा कब से रो रहा है, भला जाके बच्चे को चुप तो कराओ। अरे भाई मुझे मत कहना, मुझसे नहीं चुप होता वो। अरे बाबा मेरे पास ले आओ मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा, मेरा शहजादा, मेरा भतीजा। मेरा भतीजा? क्या भतीजा? जानी जाके से चुप कराओ, मैं आराम करने जा रही हूँ, इसकी आवाज ना आए। आवाज आई ना तो तुम सबका सर फाड़ दूंगी मैं। मैं फिर जाती हूँ आराम करती हूँ, नींद आ रही है मेरे को भी बहुत। बाबा तुम भी जाओ ना बाबा, चुप कराओ उस बच्चे को बेचारे को यार। मेरी शक्ल के आया से मिलती है, बार बार मुझे कहते हैं बाबा आया हो या पाया हो, जाओ बाबा चुप कराओ जाके बच्चे को। इधर से। अरे बाबा गां फंस गया मैं, पता नहीं किस गां बचा है बाबा, किसने दुश्मनी निकाली। क्या हो गया, इतनी महंगी घड़ी है ये, इसको क्या हो गया? अरे शब्बन चाचा क्या हुआ, भीख मांग रहे हो क्या? तमीज से? हाँ तमीज से, मैं तुम्हारा चाचा बचा नहीं हो सकता। सही कहा, इसका चाचा भिखारी थोड़ी लगता है। अरे आजकल के ये लोंडे अड़ोसी पड़ोसी के मेरी बेइज्जती करेंगे, यानी मेरी शब्बन की। अरे बार बार क्यों पूछ रहे हो शब्बन भाई, कंफर्म कर रहे हो? यकीन नहीं आ रहा खुशी से। अब खुशी 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 में ही पूछ रहा हूँ। अब इसमें कैसी खुशी? अब जैसी भी हो, अपनी औलाद को बोलता देखकर सबको ही खुशी होती है। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा तुम चलते भी हो, चल के दिखाओ। यहाँ क्या कैटवॉक का मुकाबला हो रहा है? नहीं बच्चे कैटवॉक नहीं, तुम लोगों को डॉग वॉक में चलवाऊंगा, डॉग वॉक में। माफ कर दो शब्बन भाई, अब जाने भी दो। अरे अभी आए हो, चाय पी के जाना। अरे शब्बन भाई आपके घर में आपको कोई पानी का भी नहीं पूछता, आपके चाय हमें पड़ोसियों घर से मांग के पिलाओगे? क्या बोला क्या बोला? शब्बन भाई गुस्सा ना हो, इसका मतलब है कि आपके घर में कोई आपको नहाने तक का पानी भी नहीं देता होगा, क्या चाय हमें साथ पिलाओगे? देख लूंगा तुम लोगों को अच्छी तरीके से, देख लूंगा समझेंगे ना, देख लूंगा। अरे शब्बन भाई शब्बन भाई शब्बन भाई कालो 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 मेरा बेटा कालो 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 यार। बेटा खालो वरना पापा आ जाएंगे। अब्बू ना होगा मौला जट होगा। बस जानी बहुत हो गया। बहुत कहा, अभी तो एक चम्मच खाया, खा ही नहीं रहा। कालो अरे मैं इसकी बात नहीं करी, बस बच्चों का बहुत हो गया, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, और मेरे नजदीक इसका एक ही हल है। वो क्या? कोर्ट। आप ये बच्चा पकड़े, मैं अभी कोर्ट लेके आता हूँ। अरे मैं उस कोर्ट की बात नहीं करी, कोर्ट कोर्ट। अच्छा मतलब अदालत, पेशी, गवाह, बच्चों भाई हाजिर हो? हाँ जानी बस मैंने फैसला कर लिया। अरे फैसला तो जज करेंगे, आप कैसे करेंगी? अरे मैंने वकील को बुलाया। जायदाद का बंटवारा होगा, बस फिर क्लिफ्टन वाला फ्लैट मेरे नाम। अरे बेवकूफ कोई बंटवारा नहीं हो रहा, मैं खुला ले रही हूँ। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसलिए तो वकील को बुलाया है। सब बातें छोड़े, इस बच्चे का क्या करूँ मैं? अरे मैं किस मालूम, मुझे नहीं पता, तुम देखो जो भी करना है इसका। अरे भाई मैं शक्ल से क्या आया लगता हूँ, और कोई मुझे बच्चा धमाके चला जाता। अरे भाई चुप हो जा यार, ये लो अब तो मेरा रोने का दिल कर रहा है। ओए काला यार, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बच्चू भाई पकड़े इस बच्चे को। अरे बाबा मैं क्यों पकड़ू बाबा बच्चे को?
अरे बच्चों भाई ये बच्चे को संभाले जरा, आपका भी तो फर्ज बनता है। अरे बाबा जानी ऐसी बात मत करो बाबा, सीमा ने सुन लिया तो मुझे तलाक दे देगी। पकड़े पकड़े इसको, मुझे जरा जरूरी काम है। अरे अच्छा बोझ 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 बोझ। ये जानी को बोले क्या हो इतनी तेजी से, कहाँ गया है? अरे मुझे नहीं पता बाबा, ये तलाकनामा मेरी गोद में दे गया है। तलाकनामा आपकी गोद में तो बच्चा, तलाकनामा कहाँ से आया? अरे बाबा सीमा ने अगर इसको मेरी गोद में देख लिया ना तो बाबा मेरी तलाक होनी होनी है। अच्छा अब मुझे मजीद कंफर्म हो गया है। अरे बाबा सीमा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना मैंने, अब जो कुछ भी सुनाना है ना वकील के सामने सुनाना। बाबा ये वकील कहाँ से आ गया? मैंने बुलाया, अब अगली मुलाकात ना कोर्ट में होगी तुमसे। अरे बाबा एक तो मसला बहुत आधे सीन में बीच में आती है, बात आती सुनती है समझती पूरी है बाबा ये। बाबा तू संभाल ना, बाबा तू संभाल, ये ले बाबा संभाल। अरे नहीं बाबा ये तुम्हारे बच्चा है, खुद ही पकड़ो। मैं कि मैं नहीं संभालती किसी का बच्चा। अरे आदि, अरे बाबा तू तो चुप करना, बाबा तू तो चुप कर। आइए आइए जनाब जी, बताएं किसकी तलाक करवानी? हल्के हो जाओ, आ रही है पार्टी। आपकी तलाक करवानी? अरे मेरी तो शादी नहीं हुई। अरे भाई शादी हुई या नहीं हुई ये बताएं, आपकी तलाक करवानी है या नहीं करवानी? मेरे ख्याल से मैं मैडम को बुला लूं, शादी से पहले ही मेरी तलाक करवा रहे हो। आप बैठे, आइए बैठे। जाने ये कौन है? जी मेरा नाम शकील है। मगर अभी तो आप कह रहे थे मैं वकील हूँ। जी जी मैं वकील हूँ। लेकिन अभी तो आपने बोला कि शकील है। भाई आप दोनों को क्या हो गया है? क्या वकील शकील नहीं हो सकता क्या? भाई शकील मेरा नाम है और वकील मेरा पेशा है। ओ अच्छा अच्छा, जानी तुम जाओ, जाके दूसरी पार्टी को बुला के ले आओ। अरे अभी वो आपके शौहर है, एकदम पार्टी ना बदले। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाके बच्चों को बुला के लाओ। अच्छा आप पेपर्स लाए हैं ना साथ? मार दिया। अरे बाबा इतनी तेजी से कहाँ जा रहे थे बाबा? लड़की वाले आए देखने। क्या मतलब है बाबा? अरे मेरा मतलब है लड़की वाले नहीं, वो लड़की के वकील आए। अरे बाबा मुझे कोई वसीयत नहीं लिखवानी बाबा, मना कर दो जाके। वसीयत तो मैडम लिख चुकी हैं, सिर्फ दस्तखत करवाने। क्या मतलब है बाबा तुम्हारा? अरे वो खुला नामा लेके आया है, चले बुलाया आपको। अरे बाबा ऐसे कैसे चले, कोई वारंट होता है कुछ होता है बाबा, इतना कानून तो मुझे भी आता है। 1980 की फिल्मों के साइड हीरो वकील आया, पुलिस नहीं आई। बाबा तमीज से बात करो बाबा मुझसे। बदतमीजी तो तूने अभी देखी नहीं बच्चू। क्या बच्चू तू? बदतमीजी तो तू अब देखेगा, एक मर्तबा तलाक हो जाए फिर मैं तेरा क्या असर करता हूँ देखना। अरे बाबा जानी तमीज से बात करो बाबा, मैं तुम्हारा साहब हूँ। साहब नहीं तू सांप है, और वो भी आस्तीन का। साहब तो अब मैं बनूंगा सीमा से शादी करके। क्या बाबा तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे सब बातें छोड़, शराबा से अंदर चल वरना मुझे और भी बड़े तरीके आते हैं। चलो चलो अंदर। अरे, जानी अरे बाबा, अरे जानी अब क्या वजू करने के लिए जा रहे हो? नहीं नमाज पढ़ाने। अरे कैसी बातें कर रहे हो, खुदा ना खासा अभी तो तकरीबन मेरा आधा जिंदा है, कैसे बोल रहे तुम? तुम यहाँ खड़े बातें क्या सुन रहे हो? चल अंदर, चल चल अंदर। हल्लो बेड़ा ये मेरे अदा से कैसे बात कर रहा है? अरे चल अंदर, चलो चलो उधर खड़े हो। क्या आ गए आप? वकील साहब लाए। अरे मैं आपका हाथ नहीं खुला नामा मांग रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वकील साहब क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में मैं वो खुला नामा अपने दफ्तर में ही भूला है। क्या भूला है? तो यहाँ क्या रात का खाना खाने आए हैं आप? बाबा खाना तो खत्म हो गया है, जो बचा था मैंने ही खा लिया है। अरे बाबा जब खुला नामा ही नहीं है तो बात को खत्म कर देना। देखो सीमा मुझे लगता है अल्लाह साईं की भी यही मर्जी है। ऐसे कैसे खत्म हो गए भाई? वकील साहब एड्रेस बताएं, मैं अभी खुला नामा लेके आता हूँ। अरे नहीं भाई तुम रहने दो, मैं अपने असिस्टेंट को फोन करता हूँ, वो भी पहुँचा देगा। गुड आइडिया। हेलो हाँ भाई जमीला, देखो भाई मैं जल्दी में आते हुए वो खुला नामा मेरे ड्रॉस के दाएं बाएं शायद गिर गया मुझसे, मैं वहाँ भूल गया। तुम जरा वो जल्दी से सीमा मैडम के घर या खट्टा मीठा हाउस में मुझे पहुँचा दो। हाँ अरे वकील साहब इतनी रात को एक लड़की को बुला लिया आपने, मुझे बोलते मैं ले आता। अरे भाई वो लड़की नहीं है, वो जमील आगा है उसका पूरा नाम, हम उसे प्यार से जमीला कहते हैं शॉर्टकट में। मगर इतनी देर तक हम क्या करेंगे? वो ताश है आप लोगों के घर में?
ये अपने जुआरी वाले शौक है ना, ये अपने ससुराल जाके पूरे करना। जानी जाओ जाके देखो, हो सकता है खुला नामा आ गया। हाँ, मैं अभी देख के आता। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आ गया आ गया आ गया। जल्दी है, मेरे को पता है जल्दी। अरे आप तो पड़ोस में नहीं रहते? हाँ मैं पड़ोसी हूँ आपके भाई। लाइए दीजिए। क्या लाइए भाई? खुला नामा। अरे मैं आपको खुला क्यों दूंगा? अरे जो वकील साहब ने खुला नामा मंगाया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वकील साहब खुला नामा? अरे बाबा मेरा बच्चा जो है वो आपके पास आ गया तो मैंने सोचा देखू यही होगा। आपका बच्चा? मेरी बीबी से एलर्जी हो गई, वो तुम्हारे को छोड़ के गई। मैंने सोचा वो घर नहीं आया, शायद यहाँ आपके पास आ गया हो। वो बच्चा अंदर है, लेकिन आप 15 मिनट बाद आ जाते हैं। अरे 15 मिनट बाद क्यों आता भाई मैं? खुला हो जाती ना। अरे बाबा मेरा खुला थे क्या ताल्लुक मेरा बच्चा से? दो ताल्लुक मेरा बच्चा। आइए 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 आप चलिए आइए आइए आइए। काए 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 क्या कबे हो? काए काए काए। अरे ये है बाबा। ये क्या किया मैं बच्चे के ऊपर? तेजाब फेंक दिया तुम लोगों ने। हाय हाय, बच्चा तो कमरे में सो रहा है, ये तो वकील साहब है अपने। और तुम सब लोग मेरे बच्चे को मेरे मर्जी के खिलाफ गोद ले रहे हो। आप तो चुप करें भैया, यहाँ कोई और फिल्म चल रही है। जानी आखिर ये है कौन? असल में ये उस बच्चे के असली बाप हैं। क्या क्या क्या? वो मेरी बीवी को आपके घर के बाहर छोड़ गई थी तो मैं उसी को लेने आया था। अरे बाबा, इस बच्चे की वजह से ना मेरी तलाक होने वाली थी बाबा। मैं चाहता हूँ मेरे को मेरा बच्चा दे दो। अरे भाई तेरा बच्चा अंदर है, रुक मैं अभी लेकर आती हूँ। मोटे नहीं नहीं लाओ, ये मेरे बच्चे का खिलौना भी लाया हूँ मैं। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे की तरह रोता रहा। है यहाँ बच्चा? शुक्रिया तो बोल दो। बात बोल चुकी है आप लोगों का। अरे चलो भाई, अब तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों का मामला हल हो ही गया, तो फिर मैं चलता हूँ। जी मैं माजर चाहती हूँ आपसे। अरे माफी मांगने की क्या जरूरत है, ऐसे तो कई मौके आएंगे जब आपके शौहर ऐसे होंगे तो आने जाना तो रहेगा। अच्छी बात की। वकील भाई ने भी पहचान लिया। बच्चू वो देखो ना, ये कंफ्यूजन में क्या हो गया? वैसे बहुत बुरा बुरा हुआ। अब देखे ना, आपको सांप पे शक नहीं करना चाहिए था। हाँ बाबा, तुम्हारा भी तो टूट गया ना शादी का ख्वाब। बच्चू भाई क्या मजाक भी नहीं कर सकते क्या? नहीं बाबा, तुम तो मजाक कर रहे हो बाबा, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। बात कर रहे हैं। बच्चू 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 कहाँ चले गए? मुझे लगता है खुदकुशी का कोई प्लान है। आओ देखते हैं। अरे भाई आप लोगों की ड्रेसिंग मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जानी ये कौन है? पापा मेरे को तो लगता है कि बाहर लोगों का ट्रक लुट गया है, देख नहीं रहे एक एक करके अंदर आए जा रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है जमीला। अरे पापा हमारे यहाँ कोई औलाद ही नहीं है, बाकी टोला क्या बाहर है। मैं जमीला का, शकील साहब का असिस्टेंट। तो क्यों आए? वकील साहब ने मना नहीं किया? क्या था, मगर फोन आया कि आना है लाजमी तो आ गया। फोन भला किसी ने कर दिया? मैंने किया था बाबा। मगर क्यों बच्चू? अरे बाबा मेरी इतनी बेइज्जती की है तुमने, मेरी बात नहीं सुनी है, ये इतनी बदतमीजी करता रहा है बाबा, अब तो मैं खुलानामा पे साइन करूंगा ही करूंगा। अब लेकिन बच्चू मैंने माफी तो मांग ली थी ना। नहीं बाबा, मेरा फैसला अटल है बाबा, पत्थर पे लकीर है बाबा। बच्चू मेरी बात तो सुने, बच्चू मैंने माफी तो मांग ली थी ना आपसे, फिर क्यों बच्चू? अरे फिकर क्यों करती है, हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आसपास हो। अब मेरा क्या होगा? बच्चू वाह 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 बच्चू वाह। अरे लगता है बेचारी चरी हो गई है। आप तो मत ही देखिएगा, कोई रिश्ता नहीं है इधर उधर।
अरे बेवकूफो, बच्चू ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। ऐसा कैसे? लाई मुझे दिखाई। अरे हाँ भाई, अरे ऐसा ही है भाई। अरे बाबा ये क्या प्रोग्राम है? अरे बाबा मैं तो अपनी बाजाई अम्मा के साथ ही रहूंगी बाबा। अरे बाबा लेकिन खुलानामा कहाँ गया? खुलानामा तो अरे नहीं तो क्या? ओ माफ कीजिएगा शकील साहब ने जायदाद मुंतकली के कागज दिए थे, दूसरा खुलानामे के पेपर बनाने को कहा था, शायद मैंने उल्टा कर दिया। क्या यानी दूसरी जगह खुला हो गई, मेरी नौकरी गई? अरे बाबा मेरी जायदाद, मेरी जायदाद पिछड़ो। अरे सीमा सीमा मेरी बात तो सुनो बाबा, मेरी बात तो सुनो। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हो रहा है जानी? वैसे इतने सारे वकीलों को देख के ना बाबा, मेरा भी ना कोर्ट मैरिज करने का दिल कर रहा है। बच्चू भाई सीमा सब खैर तो है ना? हाँ हाँ बच्चों, मुझे ऑफिस में कुछ काम है और वापसी में वो चेयर भी तो लेके आनी है। चेयर? इलेक्शन में खड़ी हो रही है क्या? कुर्सी खुद ही ले आई आप, गांव से पहले शहर और अब शहर से जंगल की तरफ रवानगी का सोच लिया। देखो फिर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे, मैं नहीं खाती कुछ, अब भूख हड़ताल पर होगी। परे थी कुर्सी, इससे अच्छा बंदा जमीन पे बैठ जाए, इतनी बेकार कुर्सी, थर्ड क्लास, आपकी हिम्मत कैसे हुई लाने की है? अरे पढ़ी लिखी क्या भला, मैं अपनी भैंस की बात करूं, भैंस भला कहां से पढ़ी लिखी होगी? मैं तो भूल ही गई थी तुमने बायोलॉजी में PhD जो की हुई है। अरे अदि तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस घटिया चीज को कुर्सी बोले बाबा, ये सब कुछ हो सकती है बाबा, कुर्सी नहीं हो सकती बाबा, इसने इस घटिया चीज ने कुर्सी का तकद्दुस पामाल किया है बाबा। अरे बाबा वो असल में तुम मुझे नींद से उठा के लाई ना, इसलिए हो सकता है नींद में ओल्फ ओल्फ बोल रहा हूँ ना मैं। अदा लग तो नहीं रहा क्या नींद में आए? ऐसी घटिया औरत से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जैसी घटिया औरत वैसी घटिया ये कुर्सी लाई है। बच्चू सुन रहे ना आप? इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।